सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे अपकमिंग कॉन्फर्म इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। और क्या आप लोगों को पता है, इन एक हफ्तों के अंदर हमारे गेम पे कोई भी इवेंट्स क्यों नहीं आया। तो रिसेंट टाइम पे एक ऐसा पोस्ट आया जहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड का ऐसा एक मीम बना के भेजा है गैरेना फ्री फायर वालों ने कि यहाँ पे सभी लोग का एग्जाम चल रहा था, इसलिए एक हफ्ते से कोई भी इवेंट्स नहीं दिया। और अभी तक सभी लोग का एग्जाम खत्म हो गया है, इसलिए अभी बैक टू बैक इवेंट आने वाला है। तो अभी कौन कौन सा इवेंट आने वाला है आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कल है 20 दिसंबर। तो कल आप लोग को सुबह के 4 बजे की बत्ती वाला बैनर देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम फ्रोस्ट फायर पंच फिस्ट। तो आप लोग को नया फेरेट व्हील इवेंट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे ये फिस्ट स्किन आने वाला है। तो लगभग इस फिस्ट को निकालने के लिए आप लोगों को 1000 डायमंड लगने वाला है, क्योंकि फेरेट व्हील पे अगर लक खराब होता है तो भाई बहुत ही गंदा काट के जाता है। लेकिन अगर आपका लक अच्छा होगा तो आप लोगों को सस्ते में भी मिल सकता है। तो आप लोगों को आज रात 4 बजे की बत्ती वाला फेरेट व्हील इवेंट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे फ्रोस्ट फायर फिस्ट स्किन आएगा, साथ में आप लोगों की साइथी का स्किन भी देखने के लिए मिलेगा। तो कमेंट करके बताना गाइस, कौन कौन ये वाला फिस्ट स्किन निकालने वाले हो। तो ये जो इवेंट आने वाला है, इसके बाद और भी बहुत सारे इवेंट आने वाला है। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे वीकली शेड्यूल देख पा रहे हो, तो 19 तारीख को ऑलरेडी टैग टीम वाला इवेंट स्टार्ट हो गया जहाँ पे वॉइस पैक मिल रहा है। लेकिन 22 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आप लोग को सर्वाइवर पार्सोना 2023 नाम का एक इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोग को प्लेयर रिपोर्ट वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को आपका फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर आप लोग आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। आप लोगों ने कितने सारे CS और BR में मैचेस खेला है, कितना किल किया है, आपका रैंक का स्कोर क्या है, उस हिसाब से आप लोग को सारे रिपोर्ट इस इवेंट के अंदर मिल जाएगा। तो 22 दिसंबर को आप लोग की पार्सोना 2023 इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जहां पे सभी रिपोर्ट आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद भाई कमेंट आया था, सर क्या आप न्यू इवो बंडल निकालोगे स्पिन करके, क्योंकि आपका वीडियो देखता हूं और बाद में स्पिन करता हूं। सो गाइस, यहां पे 24 दिसंबर को आप लोग को फ्रोस्ट फायर रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लेजेंडरी इवो बंडल आने वाला है रिंग इवेंट के अंदर। तो इसके साथ आप लोग को इसका इमोट वगैरह और लुक चेंजर वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक्सचेंज रेट रहने वाला है 200 टोकन। तो जी हाँ गाइस, अगर आप लोग 200 टोकन कलेक्ट करते हो तो आप लोग को एक्सचेंज करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन स्पिन करके भी आप लोग डायरेक्टली निकल सकते हो अगर लक अच्छा रहा तो। तो आप लोग यहाँ पे 2000 डायमंड तैयार रखना इस बंडल को निकलना चाहते हो तो। तो मैं आप लोगों को 24 तारीख को स्पिन वीडियो जरूर दिखाऊंगा, देन आप लोग भी स्पिन करना। सुबह के 4 बजे स्पिन मत करना, नहीं तो बहुत गंदा वाला काटेगा। 6 या 7 बजे स्पिन करोगे तो आप लोग का लक रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इतना सजेशन दूंगा भाई कि जब इवेंट आएगा 6 नहीं तो 7 बजे स्पिन करना, तो आप लोग को सस्ते में ही मिल जाएगा। अगर 4 बजे स्पिन करोगे तो आप लोग को गंदे तरीके से लूटा जाएगा। सो गाइस, अभी मैंने आप लोग को 20 से लेकर 24 तारीख तक लगातार जो जो इवेंट आने वाले उनका अपडेट दे दिया। अभी 25 तारीख को और एक इवेंट स्टार्ट होगा जो होगा फ्री इवेंट। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप का मिशन वगैरह देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे रूम कार्ड, साथ में कुछ वाउचर्स वगैरह, और यहाँ पे आप लोग को एक ड्रेस एंड एक गॉगल्स मिलेगा, मतलब चश्मा मिलेगा। तो इन मिशन को कंप्लीट करोगे तो आप लोगों के सारे रिवॉर्ड परमानेंट फ्री में सभी लोगों को मिल जाएगा। एंड ये सब जो रिवॉर्ड वगैरह है गाइस, इंडिया बांग्लादेश दोनों कंट्री के लिए कॉन्फर्म है। 25 दिसंबर को आने वाला ये सब इवेंट, तो इनको जरूर कंप्लीट कर लेना, फ्री में आप लोगों के सारे रिवॉर्ड मिल जाएगा भाई। बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड है, इनको मिस मत करना। और गाइस, अभी बढ़ते हैं आप लोग का मोस्ट डिमांडिंग कुछ अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आया था, हॉल ऑफ इनक्यूबेटर आएगा कि नहीं आएगा। तो गाइस देखो, आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर और मैं भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हॉल ऑफ इनक्यूबेटर आएगा, जहाँ पे इनक्यूबेटर का बंडल्स और गन स्किन वगैरह आएगा। बट अगर मैं कहूँ कि ये हॉल ऑफ इनक्यूबेटर ऑलरेडी आके चला भी गया है, कब हुआ कब? ये सब हुआ दिवाली कार्निवल इवेंट के टाइम। तो अगर आप लोग इस इवेंट को ध्यान से नोटिस करोगे, इस इवेंट के अंदर आप लोग को ज्यादातर इनक्यूबेटर के बंडल्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा, जो 4-4 करके बंडल रखा गया था, साथ में जितने सारे गन स्किन है वो भी रखा गया है। तो इस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि हमारा हॉल ऑफ इनक्यूबेटर जो इवेंट है वो ऑलरेडी आ गया है। एंड जो अपकमिंग हॉल ऑफ इनक्यूबेटर जो लक रॉयल टाइप का है, ये शायद से नहीं आएगा, क्योंकि 25 तारीख को दूर दूर तक कोई भी ऐसे इवेंट के बारे में लीक नहीं मिल रहा है। अभी गाइस देखते गिरने वाले क्या करते हैं, ऐसा लक रॉयल टाइप का इवेंट देता है या नहीं देता है। लेकिन इतना कहूंगा कि हॉल ऑफ इनक्यूबेटर इवेंट ऑलरेडी आ गया, जो एक वेब इवेंट था जो हम लोग को दिवाली के टाइम देखने के लिए मिला है। और गाइस बढ़ते हैं हमारे कोबरा बंडल की तरफ। तो गाइस यहाँ पे कोबरा बंडल रिटर्न आने का सीजन चालू होने वाला है। तो जी हाँ गाइस, जनवरी महीने से यहाँ पे कोबरा बंडल रिटर्न आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो लोग कोबरा बंडल को निकलना चाहते हो तो जनवरी महीने को निकल सकते हो।
इसका एक डेट निकल के तो नहीं आया बट लीक निकल के आया कि ये जनवरी महीने को रिटर्न आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बंडल को रिटर्न किया गया है। तो मुझे इसका कॉन्फर्म लीक और कॉन्फर्म बैनर जब मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। साथ में यहाँ पे कोबरा MP40 भाई वापस रिटर्न आ सकता है, इसके भी बहुत ही ज्यादा ऑडियंस डिमांड बढ़ गया है और आप लोगों को पता है गैरेना वाले उसी को रिटर्न करते हैं जिसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। तो पॉसिबल की गाइस आप लोगों के कोबरा MP40 बहुत ही जल्द रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। अभी वेट करो, कुछ ही दिनों के अंदर इनका बैनर वगैरह भी मिल सकता है और अपडेट तो जरूर मिलेगा। इसके बाद भाई बढ़ते हमारा एंजेलिक आइटम की तरफ। तो आप लोग फिर से कॉमेंट किया भाई एंजेलिक के ये सारे आइटम कब आएगा हमारे इंडिया बांग्लादेश सर्वर पे। तो देखो गाइस दूर दूर तक तो मुझे इनका कोई लीक नहीं मिल रहा है कि ये सब आइटम आ सकता है, क्योंकि एंजेलिक आइटम आने का एक डेडिकेटेड सीजन होता है, उस सीजन के हिसाब से हम लोग के सारे आइटम देखने के लिए मिलता है। अगर गैरेना वाले को पैसा चाहिए तो भाई जनवरी से वो लोग यहाँ पे रिटर्न इवेंट देना शुरू कर देंगे और भाई यहाँ पे पैसा छापना शुरू कर देंगे। तो इसका अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो भाई इंतजार मत करो, क्योंकि एंजेलिक का आइटम अभी रिटर्न नहीं आने वाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गैस आप लोगों से थोड़ा टाइम लेता हूँ। अगर गैस आप लोग गेम पे बहुत ही सस्ते में वीकली मंथली और डायमंड टॉप अप करना चाहते हो तो गैस आप लोग SG गेम शॉप से वीकली मंथली और डायमंड टॉप अप कर सकते हो। ये 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है, कमेंट बॉक्स पे आप लोग इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर पाओगे और कैसे टॉप अप करना होगा उसका वीडियो भी कमेंट लिंक पे है, तो आप लोग जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग को सस्ते भी डायमंड टॉप अप करने के लिए मिल जाएगा। एंड अभी बढ़ते गए हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जो का ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट को लेकर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा विंटरलैंड इवेंट 7 जनवरी तक चलने वाला है, तो उस हिसाब से गाइस अभी आप लोगों को बैक टू बैक इवेंट बहुत सारे देखने के लिए मिलेगा। 26 दिसंबर तो भाई आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग इन सब का वेट करो तो कुछ दिन और भी वेट करो, क्योंकि यहाँ पे एक पास इवेंट आने वाला है, उस पास इवेंट के अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेगा। अभी वो जो पास इवेंट है गाइस बुया पास स्पेशल भी हो सकता है, नहीं तो हमारा ये विंटरलैंड स्पेशल भी हो सकता है। तो आप लोग को बहुत ही जल्दी एक पास इवेंट देखने के लिए मिलेगा 29 नहीं तो 31 दिसंबर को। और इसके बाद भाई आप लोग का कमेंट था कि हम लोग को 50% डिस्काउंट इवेंट कब देखने के लिए मिलेगा स्टोर के अंदर या गिफ्ट स्टोर पे। तो देखो गाइस इस बार भी आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस गैरेना वाले इस डिस्काउंट इवेंट को बहुत ही ज्यादा अवॉइड मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पे मॉडरेटर से थोड़ा बातचीत करेंगे कि कुछ इवेंट को लाया जाए। बाकी गाइस आप लोग कौन सा इवेंट गेम पे देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, जब हम लोग को मौका मिलेगा तो मैं मॉडरेटर को जरूर बताऊंगा उनका क्या राय रहता है, फिर पता चलेगा। तो आज के लिए भी इतने ही कुछ अपडेट था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आप लोग के साथ साथ मेरा भी एग्जाम चल रहा था इसलिए टाइम टू टाइम वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी खत्म हो गया तो वही अभी बैक टू बैक वीडियो मेरा भी आने वाला है। तो वही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को पता चले। एंड गाइस अगर आप लोग कोबी 43 अपडेट में फ्री फायर कौन से नेम के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है उसका बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करो, और ओबी 43 अपडेट में कौन कौन सा नया आइटम आएगा उनके बारे में जानना चाहते हो तो राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करो, मैं आप लोग को इन्हीं वीडियोस पे मिलूंगा। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।